नमस्कार, मैं भीमाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डियर स्टूडेंट्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम बी पार्ट थर्ड के सेकेंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र की पहली यूनिट को पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है संस्कृति विकास के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ कल्चर ग्रोथ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक हमने संस्कृति विकास के सिद्धांत के अंतर्गत उद्विकास का सिद्धांत है, प्रसार का सिद्धांत है उसको पढ़ा है, और नवाचार के सिद्धांत की हमने शुरुआत की है। इससे पहले का जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें मैंने नवाचार का अर्थ, उसकी परिभाषा और नवाचार के जो उत्प्रेरक है उनके बारे में आपको बताया था, उससे संबंधित चर्चा आपके साथ की थी। संस्कृति विकास के इस नवाचार सिद्धांत को थोड़ा और बेहतर ढंग से समझने के लिए नवाचार की विशेषताओं पर चर्चा करना भी जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, हम ये पढ़ चुके हैं कि समाज में लोगों द्वारा बिल्कुल नई विचार, नई चीज़, पहले से विद्यमान तौर तरीकों में परिवर्तन, दूसरे समाज से कुछ गुण विशेषताओं, नई चीज़ों को ग्रहण करना नवाचार कहलाता है। ये स्वयं अपने आप में सामाजिक परिवर्तन है और ये सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया भी है। संस्कृति में किस तरह उद्विकास हुआ है, संस्कृति का किस तरह विकास होता है, उसमें किस तरह परिवर्तन होता है, इस चीज़ को वैज्ञानिक ढंग से स्पष्ट करने वाला सिद्धांत और प्रक्रिया का नाम नवाचार है, जिसके अंतर्गत समाज में नया आविष्कार होता है, नई चीज़ आती है, नए सांस्कृतिक तत्व आते हैं, काम करने के नए तौर तरीके आते हैं, विद्यमान जो तौर तरीके हैं उनमें संशोधन होता है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं और इसको समझा है। जॉर्ज एम फॉस्टर ने ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज इस पुस्तक में उदाहरण सहित नवाचार की व्याख्या की है और ये बताया है कि कोई भी नवाचार है जो तभी समाज में स्वीकृत होता है जब समाज विशेष की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुकूल होता है, उन पर फिट बैठता है। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि समाज में परिवर्तन निरंतर चलता रहता है, ये समाज और संस्कृति की स्वाभाविक विशेषता है, एक सार्वभौमिक विशेषता है। दुनिया भर में सभी समाज और संस्कृतियों में सतत रूप से चलने वाली ये प्रक्रिया है। नवाचार का सामान्य अर्थ और परिभाषा समझने के उपरांत आज हम नवाचार की कुछ विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे, इसकी मुख्य विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे नवाचार के सिद्धांत को और गहराई से समझ सकें और इसके बारे में एक वैज्ञानिक समझ विकसित कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, संस्कृति के विकास का जो ये सिद्धांत है, नवाचार है, संस्कृति में परिवर्तन, उद्विकास और ग्रोथ, विकास की जो प्रक्रिया है नवाचार, उसकी पांच मुख्य विशेषताएं हैं। उनमें जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है वह ये है कि नवाचार अनुकूल सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों में ही स्वीकार्य होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसका तात्पर्य ये है कि समाज के विद्यमान तौर तरीकों और कार्य प्रणालियों में संशोधन और नए तौर तरीकों और कार्य प्रणालियों को अपनाना या दूसरे समाज या संस्कृति के सांस्कृतिक तत्व, गुण, विशेषताओं, चीज़ों को अपनाना कोई भी समाज तभी स्वीकार करता है जब उस समाज की सामाजिक और जो सांस्कृतिक परिस्थितियाँ होती हैं उसमें वह फिट बैठता है, उसके अनुकूल होता है। ये बात जॉर्ज एम फॉस्टर भी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पुस्तक में बता चुके हैं और यह एक नवाचार की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि आदिम समाज है, आदिम समाज में जो जंगलों में दूर दराज के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं,
वहाँ आप उनको अगर रोबोट ले जाकर दे देते हैं तो वह उनके काम का नहीं रहता है, वह उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न वह उसके बारे में जानते हैं, न ही उनकी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों में फिट बैठता है। इसी तरह एक महानगर में किसी कंपनी को या किसी होटल को या किसी मल्टीनेशनल कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ये यही रोबोट उपलब्ध करवाया जाता है तो उसको न केवल वो सहर्ष रूप से स्वीकार करेंगे बल्कि उससे अपने काम को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और उसकी फीडबैक के आधार पर अगर उसे बेहतर परिणाम आ रहे हैं तो वो और अधिक रोबोट्स को हायर करने की लेने की स्वीकार करने की कोशिश करेंगे। तो यह बात इस चीज़ को बताती है कि कोई भी नवाचार है वो आसानी से समाज में या संस्कृति में स्वीकार्य नहीं हो पाता है। उसके लिए सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का अनुकूल होना जरूरी है। ठीक इस तरह जैसे महिलाओं की शिक्षा से संबंधित बात है, नौकरियों से रिलेटेड बात है, महिला शिक्षा की जागरूकता आने के उपरांत भी काफ़ी समय तक समाज इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाया कि महिलाएं भी नौकरी कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता का प्रसार हुआ, कानून और नियमों और सामाजिक और शिक्षा विदों के प्रयास से समाज में यह जागरूकता आई और समाज का माहौल इसके अनुकूल बना। और तब हम देखते हैं कि महिलाओं को नौकरी करने का अवसर मिला, उनकी नौकरी को स्वीकार्य किया जाने लगा और कामकाजी महिलाओं का एक वर्ग हमारे सामने उपस्थित हुआ। तो ये एक नवाचार की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी जो नवाचार की विशेषता है वह है कि एक विवेकपूर्ण और सचेत प्रक्रिया है। यानी नवाचार अपने आप स्वतः ही नहीं होता है बल्कि एक सचेत और विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। यानी कि कोई भी नवाचार है वो समाज संस्कृति बिल्कुल सोच समझ कर अपनाते हैं, बिना सोचे समझे सहज रूप से स्वतः ही नवाचार नहीं होता है। उसके लिए समाज के सदस्य हैं वो सक्रिय होकर सचेतन प्रयास करते हैं, तभी वो नवाचार समाज में आता है और उससे समाज और संस्कृति में परिवर्तन घटित होता है। जैसे उदाहरण के लिए खान पान है या पढ़ने के तरीके हैं। उदाहरण के लिए कोविड-19 इस महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है और भारत में भी इसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ऐसी स्थिति में हमारी पढ़ाई को निरंतर जारी रखने के लिए, आपको किसी भी तरह के एकेडमिक लॉस से बचने के लिए हम ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हुए हैं और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये ई कंटेंट हम उपलब्ध करा रहे हैं। ये भी एक नवाचार है, ये नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण है। लेकिन ये नवाचार अपने आप ही हमने स्वीकार नहीं कर लिया है, अपने आप ही हमारे एजुकेशन वर्ल्ड में एजुकेशन सिस्टम में नहीं आया, हमने बिल्कुल सोच समझ कर सचेतन ढंग से इसको स्वीकार किया है। और यह हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुकूल है तभी हमने इसको स्वीकार किया है। अगर ये हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होता तो हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय समाज ने लिव इन रिलेशनशिप को, समलैंगिक विवाह को, इनको स्वीकार नहीं किया है। भले ही न्यायालय ने इनकी अनुमति दे दी है लेकिन समाज इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाया है। तीसरी जो नवाचार की महत्वपूर्ण विशेषता है वह है कि नवाचार संस्कृति में परिवर्तन का एक चक्र उत्पन्न करता है। और एक समाज से दूसरे समाज, दूसरे से तीसरे समाज में नवाचार निरंतर घटित होता रहता है। यानी कि जो नवाचार की प्रक्रिया है वह समाज में एक चक्र को उत्पन्न करती है। इसका मतलब ये है कि समाज में नवाचार एक बार घटित होने वाली प्रक्रिया नहीं है, सतत रूप से चलता रहता है। कोई भी नवाचार एक संस्कृति समाज से दूसरे संस्कृति समाज में जाता है, उसके बाद में वह तीसरे संस्कृति समाज में जाता है, धीरे धीरे वह बहुत सारे समाज और संस्कृतियों तक पहुँच जाता है। आप देखिए मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, इसी तरह हमारे शिष्टाचार के तरीके हैं, हमारे खान पान के तरीके हैं,
हमारे रहने के तौर तरीके हैं, यातायात और संचार के दूसरे महत्वपूर्ण साधन हैं, हमारी हॉबीज़ हैं, हमारे लिखने पढ़ने के तरीके हैं, हमारा दृष्टिकोण है, हमारी सरकार और व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन करने के अपने तरीके हैं, वो एक समाज और संस्कृति से अनेक समाज और संस्कृतियों तक पहुँचे हैं, और यह एक चक्र के रूप में चलने वाली प्रक्रिया होती है और इसमें निरंतरता बनी रहती है। तो यह भी नवाचार की एक बुनियादी विशेषता है कि नवाचार संस्कृति में परिवर्तन का एक चक्र उत्पन्न करता है। चौथी और महत्वपूर्ण विशेषता है नवाचार की, वह ये है कि नवाचार में विद्यमान सांस्कृतिक जो तत्व हैं उनमें परिवर्तन के साथ नवीन सांस्कृतिक तत्वों को भी ग्रहण किया जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि नवाचार का मतलब यह नहीं है कि जो समाज और संस्कृति के जो मूलभूत तत्व हैं, मूलभूत गुण हैं, विशेषताएं हैं, केवल उनमें ही परिवर्तन होता है। हम दूसरी संस्कृति समाज के तत्व सांस्कृतिक तत्वों को, गुणों को, विशेषताओं को भी अपनाते हैं। नवाचार एक व्यापक अवधारणा है जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से तीन चीज़ें समाहित हैं। पहली चीज़ ये है कि नवाचार के अंदर समाज और संस्कृति में पहले से विद्यमान तौर तरीकों और कार्य प्रणाली में नयापन आता है, उसकी जगह नए तौर तरीके और नई कार्य प्रणाली आ जाती है। सॉरी। दूसरी चीज़ नवाचार की है कि नवाचार के अंतर्गत पहले से विद्यमान सांस्कृतिक तत्वों, तौर तरीकों, कार्य प्रणालियों में संशोधन होता है। समय और परिस्थितियों के अनुकूल वो संशोधित हो जाती है, नए स्वरूप में समाज उनको अपना लेता है। और तीसरी नवाचार की महत्वपूर्ण चीज़ है कि नवाचार में दूसरे समाज और संस्कृति गुण और विशेषताओं को ग्रहण करना, उनको अपनाना, उन सांस्कृतिक तत्वों को अपनाना भी सम्मिलित होता है। तो ये तीन चीज़ें मिलकर नवाचार को बनाती हैं। इसलिए नवाचार केवल विद्यमान सांस्कृतिक तत्वों और विशेषताओं और गुणों में ही परिवर्तन को नहीं बताता, बल्कि दूसरे समाज और संस्कृति के नए सांस्कृतिक तत्वों, विशेषताओं, गुणों को भी अपने अंदर सम्मिलित करता है। इसलिए नवाचार एक व्यापक अवधारणा बन जाती है। और पांचवी जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि नवाचार एक सार्वभौमिक और द्वोत्तरपा प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य ये है कि नवाचार किसी एक समाज या संस्कृति विशेष की विशेषता नहीं है, बल्कि दुनिया भर के विभिन्न समाजों और संस्कृतियों में नवाचार चलता रहता है, और ये एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। इसका मतलब है कि नवाचार के अंदर हम जिस समाज संस्कृति से कोई नया सांस्कृतिक तत्व, विशेषता या गुण ग्रहण करते हैं, वह भी ग्रहण करने वाली संस्कृति और समाज से कोई नया तत्व, नया सांस्कृतिक तत्व, कोई नया गुण, नई विशेषता अर्जित करता है। यानी जो समाज और संस्कृति आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, वो आपस में एक दूसरे से नए सांस्कृतिक तत्वों, विशेषताओं, गुणों को ग्रहण करते हैं। इसलिए दो तरफा प्रक्रिया है, दोनों तरफ चलती है। उदाहरण के लिए, लंबे समय तक अंग्रेजी शासन काल भारत में रहने के बाद हमने पश्चिमी संस्कृति से बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, स्वीकार किया, उनको अपनाया है। जैसे हमारी वेशभूषा, पेंट है, कमीज है, टाई पहनना है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये जो वेशभूषा है, या इसी तरह हमारा खान पान है, उसमें जो पिज्ज़ा है, बर्गर है, इस तरह की चीज़ें हैं, या अलग अलग जो डिशेज हैं जो पहले नहीं बनती थी, इसी तरह हमारे अभिवादन के तरीके हैं, जैसे हाथ मिलाना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमने पश्चिमी संस्कृति से सीखी है। और इसको डिटेल के रूप में हम सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया पश्चिमीकरण के माध्यम से समाजशास्त्र में समझते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय संस्कृति ने ही पश्चिमी संस्कृति से, अंग्रेजी संस्कृति से चीज़ों को ग्रहण किया है, नवाचार को अपनाया है। पश्चिमी संस्कृति में भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो उन्होंने भारतीय संस्कृति से सीखी हैं, जैसे योग है, आध्यात्मिकता है, संयम है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं
उदारता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भारतीय संस्कृति की विशिष्टताएं थी उनको पश्चिमी संस्कृति ने, अंग्रेजी संस्कृति ने अपनाया है और उनके स्वीकार किया है, तो यह उनके लिए नवाचार बन जाता है। तो ये पांच मुख्य विशेषताएं हैं नवाचार की, जिनका विवेचन मैंने आपके साथ किया है। और नवाचार को अगर थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से अगर समझने का हम प्रयास करें, तो हम देखते हैं कि आदिम समाज में भी नवाचार होता है, आधुनिक समाज में भी नवाचार होता है। और स्पेसिफिक अर्थ में इसको समझें तो आधुनिक संस्कृति में, सॉरी, आदिम संस्कृति में भी नवाचार के असंख्य उदाहरण हैं, जैसे आग जलाने का आविष्कार है, फिर धीरे धीरे पशुपालन को उन्होंने अपनाया, उसके बाद में झूम खेती करना उन्होंने सीखा। इस तरह के जो बहुत सारे उदाहरण हैं वो आदिम संस्कृति में नवाचार के उदाहरण हैं, क्योंकि आदिम संस्कृति सभ्य समाज के संपर्क में नहीं आते हैं और वो अपनी विशिष्ट संस्कृति को बनाए रखते हैं, और इस कारण उनमें नवाचार की संभावनाएं अपेक्षाकृत कम होती हैं। फिर भी उनमें नवाचार घटित हुए हैं, नई नई चीज़ें उन्होंने दूसरी संस्कृतियों से सीखी हैं और उनको अपनाया है। ठीक इसी तरह आधुनिक संस्कृति में, जिसमें गतिशीलता, सामाजिक परिवर्तन की व्यापक संभावनाएं मौजूद है, वहाँ नवाचार की प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज रही है और आदिम संस्कृति की अपेक्षा अधिक रही है, क्योंकि आदिम संस्कृति में कई प्राकृतिक बाधाएं हैं और सांस्कृतिक बाधाएं हैं, वो सभ्य समाज के संपर्क में नहीं आते, दुर्गम इलाकों में रहते हैं, अपनी विशिष्ट संस्कृति को बनाए रखते हैं। धर्म, जादू टोना, प्रथा परंपराओं, उनका प्रभुत्व बहुत ज़्यादा होता है, उनका वो पालन करते हैं, और जो सांस्कृतिक मान्यताएं होती हैं उनको तोड़ना अपराध माना जाता है। इस कारण वहाँ नवाचार अपेक्षाकृत धीमे और कम घटित हुआ है, लेकिन आधुनिक संस्कृति में नवाचार बहुत अधिक हुआ है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं। लंबे समय तक मुस्लिम शासन और अंग्रेजी शासन के कारण भारतीय संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें उन संस्कृतियों से आई हैं और उनको हमने अपनाया है, और एक समेकित भारतीय संस्कृति का विकास हुआ है। वास्तुकला के क्षेत्र में मुस्लिम संस्कृति से बहुत सारी चीज़ें भारतीय संस्कृति में आई हैं। इसी तरह खान पान, कई तरह की मिठाइयाँ, रीति रिवाज और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो हमने मुस्लिम संस्कृति से अपनाई है। इसी तरह पश्चिमी संस्कृति से भी भारतीय संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें आई हैं। आज हम देखते हैं अंग्रेजी माध्यम से जो पढ़ाई हो रही है, ये नवाचार भी हमने पश्चिमी संस्कृति से ही सीखा है। लंबे समय तक अंग्रेजी शासन काल के कारण ही ये भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बना और यहाँ अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ाई और दूसरी चीज़ें हैं वो शुरू हुई, और इसके माध्यम से शिक्षा का प्रसार हुआ। शिक्षा के माध्यम से लोग जागरूक होने लगे और इस तरह की चीज़ें हमें सीखने को, जानने को मिली हैं। तो ये नवाचार के इस तरह के उदाहरण हैं जो आधुनिक समाज में गठित हुए हैं। तो ये आज के इस वीडियो लेक्चर का मुख्य टॉपिक था, जिसमें हमने नवाचार की विशेषताओं का विवेचन किया है और आदिम संस्कृति में और आधुनिक संस्कृति में नवाचार के उदाहरणों से इसे समझने का प्रयास किया है। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना पर्याप्त है, और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि संस्कृति विकास का ये नवाचार का सिद्धांत है, ये इस वीडियो के माध्यम से आप बेहतर ढंग से और बहुत ही सहज तरीके से इसे समझ पाए हैं, इसकी अवधारणाओं को आपने समझा है, और ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक है हमारा वह है प्रसंस्कृति ग्रहण, एकल्चरेशन। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम संस्कृति विकास के प्रसंस्कृति ग्रहण, एकल्चरेशन थ्योरी और प्रक्रिया, उसका विवेचन करेंगे। धन्यवाद।